सो गाइस, आज की स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का डेविल वर्सेस एंजल कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वाला जो एडिटिंग है, इसे मैंने सिर्फ पिक्सार्ट और पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की मदद से किया है। तो अगर आपको भी सीखना है तो ये वाले वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और पिक्सेल लैब एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे डबल टैप करना है, और इसको आपको यहाँ पे कट करके डेविल लिख सकते हो, या फिर जो भी आपका नेम होगा वो भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेविल लिख के यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, और इसे जो है मैं कुछ इस तरह से जूम कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ए वाला आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना, और माई फॉन्ट्स पे आने के बाद आपको जो ये वाला फॉन्ट है इसे यूज़ कर लेना है। और ये वाला जो फॉन्ट का लिंक है, मैं स्टॉक लिंक के साथ ही दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और पिक्सेल लैब में फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं, इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके सीख सकते हो। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है, इस पर जाना है, और ग्रेडियंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो ये वाला ग्रेडियंट है सबसे पहले दिखेगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे जो व्हाइट लेयर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करके कलर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और इसका जो यहाँ पे जो कलर है इसे आपको रेड रख देना है, और यहाँ से इसे डन कर देना। तो ये कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इस पर जाना है, और इसे आपको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे स्ट्रोक का जो अमाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, और कलर को आपको यहाँ पे व्हाइट रखना है, और इसका जो स्ट्रोक का अमाउंट मैं 15 रख लेता हूँ, और यहाँ से डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे शैडो पे जाना है, और शैडो को भी इनेबल कर लेना, और इसका भी कलर आपको यहाँ पे रेड रखना है, और यहाँ पे ओपेसिटी को मैं कुछ इतना रख लेता हूँ, और ब्लर को 22 रख के यहाँ से डन कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्पेसिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जो इसका अमाउंट है यहाँ पे 15 रख के मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो कर्व वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और इसका जो है आपको यहाँ पे माइनस पे रखना है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है इसे हम यहाँ पे लेवल पे रख लेते हैं, और यहाँ से डन कर लेते हैं। और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना, तो आपका जो बैकग्राउंड है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, और डायमेंशन को अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देना, तो आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है गैलरी में सेव हो जाएगा। और अभी जो भी करना है हमें पिक्सार्ट एप्लीकेशन में करना है, तो चलते हैं फिर पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और आपको अपने फोटो को यहाँ पे शेयर कर लेना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो ये वाला आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिस्टिक वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑयल पेंटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ इस तरह का अमाउंट आ रहा है। तो इसका जो यहाँ पे अमाउंट है मैं रख लेता हूँ 18 पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे इरेज वाले टूल पर जाना है, और अपने जो आईज है और लिप्स है उसमें से आपको इस तरह से इरेज कर देना है, तो मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ से डन कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना है, तो आपका जो इफेक्ट है सेव हो जाएगा। तो देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑयल पेंट वेक्टर आर्ट की तरह दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इफेक्ट पे, और इस वाले इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से क्लिक करना है, तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पे जो भी मैं अमाउंट रख रहा हूँ जिसका भी, वही आपको सेम टू सेम रखना है। तो ऐसे सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये भी इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉमिक वाला जो इफेक्ट है इसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे नेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूँ, तो ये अप्लाई हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इफेक्ट है ये थोड़ा इस तरह से दिखेगा, तो इसे जो यहाँ पे लाइन से मैं इसे रख लेता हूँ कुछ इतना, तो मैं जो यहाँ पे 17 पे रखता हूँ, और जो ब्राइटनेस है इसे मैं रखता हूँ 65 पे, और फेड को 56 पे रख के इसे भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे हमारा जो फोटो है वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्केचर 2 को, और इसका भी जो भी मैं अमाउंट रख रहा हूँ वही अमाउंट को आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ से इसे आपको डन कर देना है। तो हमारा फोटो यहाँ पे देख सकते हो लगभग वेक्टर आर्ट की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अभी और काम बाकी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाना है, और यहाँ पे सैचुरेशन को बिल्कुल आपको डिक्रीज़ कर देना है, तो आपका जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे 30% के आसपास, और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे रखता हूँ डिक्रीज़ पे, और हाइलाइट्स और शैडो को इंक्रीज़ करके यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे फिर से जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो ऑयल पेंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, और इस बार भी सेम आपको जो अमाउंट है अपने मर्जी से रख लेना है कुछ इतना, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 13%, और यहाँ पे एरेस पे जाके आपको आईज और लिप्स से एरेस कर लेना है, और यहाँ से डन कर देना है। तो ये हो जाने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना है गैलरी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन को फिर से कट कर देंगे, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और ये वाला जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे,
और यहाँ से आपको वो वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो हमने अभी अभी एडिट किया था, और इसे जो है अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना, मतलब आपको किस जगह पे चाहिए उस पोजीशन पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। और एडजस्ट करने के बाद आपको इरेज वाला जो टूल है इस पर जाना है, और इरेजर का हार्डनेस को आपको 1 पे रखना है, साइज़ अपने हिसाब से रख लेना 50% के आसपास, और यहाँ से जस्ट आपको इस तरह से इरेज कर देना है, मतलब अपना जो फोटो है उसको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है, जस्ट आपको इस तरह से साइड साइड से इरेज कर देना है तो ये परफेक्टली मर्ज हो जाएगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ और ये जो फोटो है अभी से काफ़ी सही लग रहा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे चलना है ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे, और ड्रॉ टूल पे आने के बाद आपको जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपको रेड कलर को सिलेक्ट करके डन कर देना है। फिर ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करके आपको साइज़ और ओपेसिटी फुल कर देना, और हार्डनेस को 1 पे रख के यहाँ से कर देना सेट, और इस तरह से जस्ट आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ पर इस वाला आइकन पर क्लिक करना, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कर देना है ट्रांसफॉर्म, और इस तरह से आपको जूम करके जितना जूम हो सके उतना कर लेना, और इसे जो है आपको अपने हाफ फेस पे रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन कर लेना। और इसके बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओवरले पे क्लिक कर देना, तो देख सकते हो कि इस तरह का इफेक्ट आ रहा है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और इसका जो यहाँ पर ओपेसिटी है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 70% के आसपास। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई करना है, तो सिंपल आपको 3 डॉट पर क्लिक करके एम्प्टी लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कलर के जो यहाँ पर रेड है उसको आपको यहाँ पर ब्लू कर लेना या फिर सीएन, तो यहाँ पर सीएन रख लेता हूँ, और इसे भी इस तरह से एक लाइन को अप्लाई करके सेम आपको 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लेना, और इसे भी आपको अपने हाफ फेस पे एडजस्ट कर देना है। तो ये हो गया, इसे भी मैं यहाँ पे ओवरले कर लेता हूँ, और इसका यहाँ पे जो ओपेसिटी है मैं यहाँ पे 80 पे रख लेता हूँ, और जो रेड कलर है इसका भी 80 पे रखना, और यहाँ से कर देना डन। तो देख सकते हो हमारे फोटो में कितना अच्छा एक डुअल टोन आया, तो इसे भी चाहे तो आप सेव कर लेना। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे जो आपको इस तरह से जूम कर लेना अपने आइज़ पे, और यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको कलर पे जाके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके डन कर लेना, और ब्रश वाला आइकन पे जाके आपको हार्डनेस को रख लेना है कुछ इतना 80% के आसपास, और साइज़ ओपेसिटी अपने हिसाब से रख लेना, वैसे ओपेसिटी 100 पे रखोगे तो सही रहेगा। और सेट करने के बाद आपको इस तरह से जस्ट रफली अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इरेजर वाले टूल पर जाना है, और इसका भी सेटिंग मैं जो यहाँ पर रख रहा हूँ आप वही रख सकते हो, और यहाँ से सेट कर लेता हूँ, और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसे आपको यहाँ पे इरेज कर लेना है, और यहाँ आप चाहे तो इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर सकते हो ताकि आप देख सको कि कहाँ कहाँ पे आपको इरेज करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई कर लिया है बिल्कुल परफेक्टली, और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हम इस वाले इमेज को ऐड कर लेंगे, और इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे जाना है ब्लेंड पे, और ब्लेंड को कर देना स्क्रीन, और इसे जो है आपको आपके राइट आइज़ पे एडजस्ट कर लेना इस तरह से, और इसका ओपेसिटी जो है मैं रख लेता हूँ 50 या फिर 60% के आसपास, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे चलते हैं, और यहाँ पे रेड कलर वाला स्मोक को ले लेंगे, और इसका भी ब्लेंड यहाँ पर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन, और इसे जो आपको आपके लेफ्ट आई पर एडजस्ट करना है, और चाहे तो आप इस तरह से स्ट्रेच कर लेना, और ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से चलते हैं ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे इस वाले इमेज को ऐड कर लेते हैं, और इसे ऐड करने के बाद आपको इसे जो है यहाँ पे एडजस्ट करना है जहाँ पे रेड कलर का पार्ट है, और इरेज पे जाके आपको जो यहाँ पे दूसरा साइड है उसे आपको इस तरह से इरेज कर देना है, और यहाँ से डन कर लेना। नेक्स्ट आपको फिर से ऐड फोटो पर जाना है, और यहाँ पर इस वाले PNG को ऐड कर लेना, और इसे जो आपको यहाँ पर ब्लू साइड पर रखना है, और आप चाहे तो यहाँ पर फ्लिप एंड रोटेट पर जाके फ्लिप भी कर सकते हो, और ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इरेज पे जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको इरेज कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और अभी जो हमें यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके जो हमने टेक्स्ट बनाया था उसे आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है।